संघ के चलते एक युवक को करीब एक दर्जन युवकों ने निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया और साथ में मारपीट भी की। मानवता को शर्मसार करने वाली यह तस्वीर नरसिंहपुर जिले के आमगांव थाना क्षेत्र की है, जहां पर पहले युवक को निर्वस्त्र किया गया और पिटाई की गई, साथ ही निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 9 को जेल भेज दिया है। एक निर्वस्त्र युवक को मारते पीटते और भद्दे तंज कसते करीब एक दर्जन से अधिक लोग सड़क से गुजरते बेपरवाह आम लोग। यह दिल दहला देने वाला नजारा कोई तालिबानी नहीं बल्कि नरसिंहपुर जिले के आम गांव का है। दरअसल पवन साहू का गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों की फोन पर बातें भी होती थी। यही बात गांव के अन्य युवकों को नागवार गुजरी। फिर क्या था, लड़के के भाई एवं अन्य युवकों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। पहले पवन को निर्वस्त्र किया और फिर मारते हुए गालियां भी दी, साथ ही पूरे गांव में घुमाते रहे। इस बीच कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया पर राहगीरों में से उसे बचाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की, लेकिन किसी महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मानवता का नंगा नाच देखा उसके भी होश उड़ गए। तत्काल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और करीब 11 युवकों पर मामला दर्ज कर 9 को गिरफ्तार किया गया। वहीं नाबालिग लड़की जो कि SC/ST कास्ट की है, उसका कहना है कि मोबाइल से बात करना कौन सा अपराध है। पूरी घटना पर पुलिस भी मानती है कि इस तरह से कानून को हाथ में लेना गलत है और बेहद ही शर्मनाक घटना है। वहीं पीड़ित घटना से आहत है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका कसूर क्या है, क्योंकि फोन पर दोनों की दोस्ताना बातें होती थीं, जिसकी जानकारी लड़की के घर वालों को पहले से ही थी। ये बड़ा संवेदनशील मामला है, कैसे ये पूरी घटना घट गई? कल 2:40 पे कंट्रोल रूम में, मतलब यहाँ पे चौकी के नंबर पे किसी महिला का फोन आया कि कोई गाँव का साहू समाज का लड़का है, उसके लिए कुछ व्यक्ति न्यूड करके घुमा रहे हैं, जुलूस टाइप का निकाल रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। सूचना पे हम लोग स्टाफ के साथ गए तो वहाँ जाके देखा तो ऐसा घटना सही थी। फिर उन लोगों को यहाँ पे लेके आए, पवन साहू नाम का लड़का है, उसके साथ घटना हुई है। उसकी जो मेहरा समाज के लोग हैं उनको ये संदेह था कि इनकी बहन है, लड़की है, नाबालिग है, उससे इसकी बातचीत होती है। इस संदेह में इसकी दुकान से उनने बाहर बुलाया, उसके साथ मारपीट की और उसको न्यूड करके घुमाया गांव में। हम लोग को सूचना मिलने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 11 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है, 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 2 नाबालिग हैं तो उनको नोटिस दिया गया है। कितने आरोपी हैं, बालिग नाबालिग? कुल 11 आरोपी हैं उसमें। लड़की नाबालिग है, बालिग है, और लड़की का क्या कहना है? यदि आपकी बात हुई तो लड़की से बात हुई है, लड़की का ये कहना है कि मैडम बात करना तो अपराध नहीं है और मैं बात करती थी और ये मेरे पूरे घर को जानकारी थी कि मैं बात करती थी, और उस उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट करने नहीं आया है और ना उन लोगों ने किसी ने रिपोर्ट की है इस संबंध में। तो अचानक जब बात चल रही थी तो अचानक वो बंदर कैसे हो गया? इन लोगों का ऐसा कहना है कि वो शायद उससे बात कर रहा था या उसने कोई मोबाइल इसको दिया था, लड़की को, लड़के ने मोबाइल दिया था, तो वो उसका छोटा भाई है एक दुर्गेश नाम का, उसने वो मोबाइल वोबाइल देख लिया उसके पास। परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी तो समाज वालों ने आपत्ति? नहीं, परिवार को भी थी आपत्ति, लेकिन जब समाज वालों ने ज्यादा कुछ बोला होगा तो शायद उसी वजह से गुस्से में आके इन लोगों ने ऐसा कुछ कदम उठाया।